हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी मैथन। बोट एंड स्ट्रीम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये क्या दिया हुआ है कि द टाइम टेकन बाय अ बोट टू ट्रैवल 13 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन द सेम एज द टाइम टेकन बाय इट टू ट्रैवल 7 किलोमीटर अपस्ट्रीम। इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर, देन हाउ मच टाइम विल इट टेक टू ट्रैवल द डिस्टेंस ऑफ 44.8 किलोमीटर इन स्टील वाटर। तो देखो, 13 किलोमीटर अपस्ट्रीम स्पीड हम लोग पकड़ लेते यू, और डाउन स्ट्रीम स्पीड हम लोग पकड़ लेते डी। ठीक है, ये यू है अपस्ट्रीम स्पीड, ये है डाउन स्ट्रीम स्पीड। इसको ऐसे एरो दे देते हैं, इसको ऐसे एरो दे देते हैं, याद रह जाएगा, या फिर यू डी से याद रख लेना। 13 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाता है, तो ये बराबर कितना दिया हुआ है सर, 7 किलोमीटर अपस्ट्रीम में जाता है। तो 7 किलोमीटर अपस्ट्रीम में दोनों का टाइम एक ही लगता है। यहाँ पर दिया हुआ है बोट का स्पीड हम लोग पकड़ लेते हैं 1 किलोमीटर पर आवर बोट का स्पीड। अब स्ट्रीम का स्पीड कितना है सर, 3 किलोमीटर पर आवर वाई इक्वस टू। तो अपस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाता है सर, अपस्ट्रीम स्पीड होता है एक्स माइनस थ्री, वाई की जगह पे लिख दिया डाउनस्ट्रीम स्पीड एक्स प्लस थ्री। तो 13 बटा एक्स माइनस डाउनस्ट्रीम था एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू 7 बटा एक्स माइनस थ्री। तो यहाँ से क्या हो जा रहा है, 13 एक्स माइनस 13 तीन 39 इक्वल्स टू 7 एक्स प्लस 7 थ्री जर 21। तो इधर हो रहा है 7 3 3 6 6 6 इक्वल्स टू 21, यहाँ पे जोड़ते 3 2 5 60। तो एक्स इक्वल्स टू 10 किलोमीटर प्रति घंटा इसका स्पीड है। तो 44.8 किलोमीटर इन स्टील वाटर में कि जाएगा तो कितना टाइम लगेगा सर, 44.8 किलोमीटर जाने में 10 किलोमीटर प्रति घंटे का औसत से कितना लगेगा सर, 4.48 सर, 0.48 आवर। यहाँ पे मतलब क्या होता है सर, 4 प्लस या फिर 4.48/100। ठीक है, इतना आवर तो कितना हो रहा है, 4 × 4 = 8 = 25। तो 4/12/25 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ओके सर, थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट क्लास।